स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए यूनियन बैंक का डिपॉजिट स्लिप कैसे फिल करते हैं ये ट्यूटोरियल। तो यहां पे आप कैश भी कर सकते हैं डिपॉजिट और चेक भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं किस तरह से हम इसे फिल करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। डिटेल में ये वीडियो आप देख लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ठीक है, स्किप मत करिए, आराम से आप इसे फिल करना सीख जाएंगे। तो फिर मैंने एक फॉर्म पहले से ही यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है, तो उसी को मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, ठीक है। सो क्या क्या आपको फिल करना है देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है डेट, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर पूरा डिटेल यहाँ पे अच्छे से डाल देना है। अकाउंट नंबर बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिए, काट कूट मत करिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक तो काट कूट कर दिया है आपको दिखाने के लिए कि काट कूट बिल्कुल मत करिए, आराम से फिल कीजिए, ठीक है। फिर आपको अपना नाम यहाँ पे पूरा लिखना है, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, आराम से आप इसे लिखिए। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एकदम परफेक्टली डालना है ताकि कोई दिक्कत आए तो बाद में वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और यही मोबाइल नंबर डालिए जो आपका अकाउंट का होगा, ठीक है। ईमेल आईडी देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ पे 10,000 ओनली लिखा हुआ मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 10,000 का एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वर्ड्स में लिखेंगे 10,000 ओनली, ठीक है, और यहाँ पे 10,000 पूरा लिख देंगे। अब मैंने ये वाला एरिया जो है ब्लैंक छोड़ा हुआ है आपको बताने के लिए कि अगर आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश, ठीक है। अगर आप कैश नहीं कर रहे हैं और अगर चेक डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक का नंबर और चेक का डेट, ठीक है। चेक का नंबर आप जो भी होगा आपका वो चेक नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे आप डेट डालिए वो चेक कौन सी डेट में इश्यू किया है आपने, ठीक है, या फिर कहीं से आपको अगर मिला है तो यहाँ पे आप उसे डाल सकते हैं। अगर कैश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कैश कर रहे हैं, ठीक है, तो कैश में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि 500 रुपये कितने टूटे, यहाँ पे आपको लिखना है कितने टूटे। मान लीजिए 500 हैं आपके, यहाँ पे 10,000 हैं, तो 500 मान लीजिए आप 800 है, ठीक है, 800 500 अगर हो गए तो 4,000 रुपये, यहाँ पे लिखिए 4,000, ठीक है। मान लीजिए आपके 200 मान लीजिए 200 हैं आपके, दो टो तो हो गए आपके यहाँ पे 400, ठीक है। तो फिर और अगर 100 है मान लीजिए आपके पास, या फिर 2,000 है, पहले 2,000 लिख लेते हैं, सॉरी मैंने पहले 4,000 वाला लिख दिया है, 2,000 मान लीजिए आपके हो गए दो टो, तो दो चार 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 आठ हो जाएंगे दो टो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 4,000, 8,400 हो गए, अब बचे 1,600। मान लीजिए आपके पास 100 जो है वो 16 टो है, तो यहाँ पे हो गए 1,600। पूरा डिटेल आप भरिए कितना है, अगर कॉइन है आपके पास तो कॉइन भी आप यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं, 5 रुपये 10 रुपये जो है सब यहाँ पे डिटेल में लिखिए। ये हो गया आपका 10,000, यहाँ पे लिखिए, ठीक है, हो गया 10,000। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको यहाँ पे कैश लिखना है, सेम चीज आपको यहाँ पे भी फिल करना है, डेट, अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और अमाउंट, यहाँ पे 10,000 ओनली, ये डिटेल पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आप ये काउंटर में आप दे सकते हैं, उसके बाद आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, काट कूट कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन वगैरह कर देते हैं, इस वजह से आपका वो फिर से भरना पड़ता है आपका, तो टाइम बर्बाद होगा आपका। तो टाइम बचाने के लिए मेरा ये वीडियो पूरा ठीक से समझ लीजिए और आराम से इसे फिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ब्रांच लिखा हुआ है, ठीक है ना, शाखा, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। पैन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, देखिए वो भी डालने की जरूरत नहीं है, आप इसे आराम से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाकी ये जितने मैंने यहाँ पे बोले हैं ये आपके एकदम नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, मैंडेटरी हैं, आपको इसे फिल करना पड़ेगा। सो ये बहुत इजी प्रोसेस था यूनियन बैंक का ये डिपॉजिट फॉर्म, डिपॉजिट स्लिप फिल करना। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर कोई डाउट्स रह गए हो, इसमें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन जय हिंद। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.